गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का, जो हमारा चैप्टर 3 है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सो विजिबल है मेरी स्क्रीन, स्लाइड आपको विजिबल थी? ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सोशल फार्मेसी के चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, वो पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है आपका चैप्टर ये। ठीक है, सो सबसे पहले न्यूट्रिशन पे शॉर्ट नोट आ जाता है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? तो हम पहले बताएंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन जो टर्म है वो लिया गया है 2 लैटिन वर्ड से, यानी एक सॉरी लैटिन वर्ड से जिसका नाम है न्यूट्रिटिक। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिटिक। न्यूट्रिटिक का मतलब क्या होता है? हमारा नरिशमेंट। ठीक है, कि हमें खाने से क्या मिल रहा है? नरिशमेंट मिल रहा है, हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रह रही है उससे। तो न्यूट्रिशन सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें इंटेक, हम खाना ले रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, डाइजेशन हजम हो रही है वो अंदर जाके, एसिमिलेशन है, बॉडी के सेल्स उसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रह रही है और हम बीमारियों से बच रहे हैं। तो सिंपली न्यूट्रिशन ये सारा प्रोसेस कहलाता है जिसमें आप खाना खाते हो, वो डाइजेस्ट होता है, बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती है और बीमारियां दूर चली जाती है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल पदार्थ हैं जो कि फूड, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे खाने को मिलकर बनाते हैं, क्योंकि हमारे खाने में है क्या? यही है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है। ठीक है, फूड में ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है। कहीं में कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, स्टार्च यानी कि ज्यादा होता है, दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे 2 तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो शब्द का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो शब्द का मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये वो है जो कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसका ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, ये हमें छोटी मात्रा में चाहिए। ठीक है, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये कम कम मात्रा में भी हो तो चलेंगे, इनका कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका मेन रोल होता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड हमारा कितनी तरह का होता है? तो बाय ओरिजिन, ओरिजिन मतलब हमें मिलता कहाँ से, तो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन जो कि जानवरों से मिलता है और पेड़ पौधों से मिलता है, 2 तरह का हो गया हमारा। और केमिकली अगर बात करें, प्रोटीन्स का है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये तो आपके वही है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये वो है। ठीक है, वही, बस एक फाइबर एक्स्ट्रा याद रखना, बस दैट्स इट। क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन। अब इनमें मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं, एनिमल से हमें कौन कौन से मिलता है, मीट मिल जाते हैं, ठीक है, एग्स मिल जाते हैं हम लोगों को। ठीक है, प्लांट ओरिजिन से हमें सैलेड मिल जाता है, फ्रूट्स मिल जाते हैं पेड़ पौधों से। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोटीन्स पे शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने को। तो प्रोटीन्स क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नाइट्रोजन के बने होते हैं। हमें पता है प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स किसके मिलकर बने होते हैं, हमें एक चीज दिमाग में डालनी है, अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स जब बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और अमाइनो एसिड खुद किसके बने हुए? नाइट्रोजन के बने हुए। तो इसको कह सकते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नाइट्रोजन के बने, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और आपस में पेप्टाइड लिंकेज होती है इनकी, पेप्टाइड से जुड़े हुए होते हैं। एडल्ट में अप्रोक्सीमेटली 16% जो वजन है
वो प्रोटीन्स की वजह से आता है, ठीक है, एंड इज नेक्स्ट टू वाटर, वाटर के साथ. जैसे वाटर हमारा अप्रोक्सीमेटली 60% या 70% तक वजन बनाता है, ठीक है, और 16% हमारा कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है. टोटल 22 अमाइनो एसिड अब तक पाए गए हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दो तरह के हैं, कौन कौन से, हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल. अब इन्हें असेंशियल, असेंशियल का मतलब होता है जरूरी है कोई चीज, ठीक है, तो असेंशियल इन्हें क्यों बोला गया कि इनको हमें डाइट में लेना पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी में नहीं बनते हैं, इनकी हमें जरूरत है तभी ये असेंशियल है, ठीक है. और नॉन असेंशियल कौन से हैं, वो जिनकी हमें डाइट में जरूरत नहीं है, जो कि हमारी बॉडी खुद से बना रही है, ठीक है, ये असेंशियल और नॉन असेंशियल. अब है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स मिलते कहाँ कहाँ से, एनिमल सोर्स, ठीक है, वही एग्स, अंडे, दूध, मीट, मछली, इन सब से मिल रहा है. लेकिन वेजिटेबल सोर्स की बात करें, दालों से, नट्स, नट्स यानी के वो काजू, इन सब चीजों से, सीरियल्स हो गए जो हम बाजरा, गेहूं, ये सब खाते, बीन्स हो गए, उन फलियां होगी, इनसे मिलते हैं हमें प्रोटीन्स, ठीक है. ये अब प्रोटीन्स काम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट आया प्रोटीन पे, पहले आप बताओगे प्रोटीन होते क्या, अमाइनो एसिड के बने होते हैं, कितना वजन बनाते हैं, अमाइनो एसिड कितने होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल लिख दो. प्रोटीन अब मिलते कहां से, वो लिख दिया हमने. अब हम लिखेंगे प्रोटीन काम क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, मसल वसल बनाते हैं, जिम में जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वही है. ग्रोथ होती है हमारी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, कोई भी टिश्यू या सेल बॉडी का डैमेज हो जाए, टिश्यू है क्या, बेसिकली सेल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो टिश्यू या सेल का कोई नुकसान हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग, मुरम्मत का काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है, मेंटेन करेगा बॉडी को. प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाने हैं, जैसे हमारा ग्लोबुलिन, ठीक है, हमारा फिब्रिनोजन, ये सारी चीजें बनानी है, इनके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. हीमोग्लोबिन खून बनाना है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. एंजाइम बनानी है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए. हॉर्मोन्स के लिए भी प्रोटीन चाहिए. ये हमारे ट्रांसपोर्ट कैरियर की तरह भी काम करता है, मतलब एक चीज को दूसरी जगह अगर लेके जाना है तो प्रोटीन्स इसमें मददगार हो सकते हैं, ठीक है. एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन. जो एंटीबॉडी, कोई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई कीट, कीटाणु वगैरह हमारी बॉडी में घुस गया, एंटीजन ही हुआ वो, उसके खिलाफ, उसे खत्म करने के लिए हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाएगी वो भी क्या है, प्रोटीन्स है. बफर की तरह काम करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है, ना ज्यादा एसिडिक होने देते ना ज्यादा बेसिक होने देते, ठीक है. ऑलमोस्ट हमें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है, ये पूछा जाता है. 1 ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं कॉपी पे लिख लीजिए साइड पे, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज बनाता है, ठीक है. नेक्स्ट है जी हमारा फैट्स. फैट्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इनमें कार्बन आ रहे, इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, पानी में नहीं घुलते ये, लेकिन कहाँ घुलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे कौन कौन से हो गए, वही जिनमें कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब में घुलता था, ठीक है. फैट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑयल्स बाय द डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट. फैट्स और ऑयल्स कैसे हम अलग पहचान सकते हैं कि अच्छा ये फैट है ये ऑयल है, इनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा एक टेम्परेचर जिसपे मेल्ट होते हैं, इनका अलग अलग होता है. फैट सॉलिड होते हैं और ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. जैसे कि घी वगैरह आपने देखा होगा घर में, घी क्या है, फैट है, ठीक है, तो वो क्या है, बाहर रखोगे जम जाएगा, है ना. लेकिन जो तेल है, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये थोड़ी जमते हैं, तो ये फर्क है इनमें. अब लिख लिया फैट की इंट्रोडक्शन लिख ली, अब हम बताएंगे कहाँ कहाँ से मिलता है हमें. एनिमल सोर्स मतलब वही दूध, दूध के प्रोडक्ट, घी, बटर, इन सब से, अंडों से, मछली के तेल से मिलता है. ये पुअर सोर्स है असेंशियल फैटी एसिड. अब फैटी एसिड की भी कैटेगरी है असेंशियल और नॉन असेंशियल. असेंशियल वही जो हमें डाइट में लेने की जरूरत है, हमारी बॉडी नहीं बना रही. नॉन असेंशियल कौन से हो गए, जो कि बॉडी में बन रहे हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है. तो जितने भी एनिमल सोर्स से हमें फैट मिल रहा है, ठीक है, उनमें हमारा असेंशियल फैटी एसिड नहीं होता, जो कि हमें जरूरत होती है वो नहीं होता. वेजिटेबल सोर्स हो गया, जो वेजिटेबल, जो हमारे एडिबल ऑयल हो गए, वही हमारा कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे, जैसे ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब हो गए. ये सारे असेंशियल फैटी एसिड में भर भर के प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, लेकिन कोकोनट ऑयल में ये भी नहीं होता, ठीक है. ये असेंशियल फैटी एसिड में कौन कौन से आते हैं, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड, ये तीन ही आते हैं हमारे, ठीक है.
लाल करके याद रख लो, लाल हमारे एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये अब कितनी तरह के, कितने प्रकार के फैट होते हैं? सबसे पहले होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, जिन जो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए होते हैं आपस में, जैसे कि बटर, मक्खन, ठीक है। फिर आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसे मूफा भी बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनके भी अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड, इनके अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, रेप सीड ऑयल हो गया, इनके अंदर हमारे क्या है, एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। फिर आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट एसिड, फैट्स या फैटी एसिड कुछ भी कह लो, इन्हें पूफा बोलते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर पॉली आ गया ना, मोनो आ गया तो मतलब एक डबल बॉन्ड था, पॉली आ गया तो मतलब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड इनमें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन ऑयल हो गया, ये, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में क्या है, दे हैव बीन पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड, मतलब इनको क्या है, हाइड्रोजिनेशन होती है, इनके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ताकि ये कुछ डबल बॉन्ड बना सके। अब जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से इसका जो सिस कॉन्फिग्रेशन है वो ट्रांस कॉन्फिग्रेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे, उसकी हाइड्रोजन इसमें पार्शियली ऐड करेंगे तो वो डबल बॉन्ड बन जाएंगे उसकी वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, हमारी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली एग्जांपल में इसके आ जाता है मीट आ गया या डेयरी के प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में, सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो भी हमारे एटम्स होते हैं या ग्रुप्स हैं वो हमारे सेम फेस ऑफ अ मॉलिक्यूल में, कि एक ही फेस में है, ठीक है। और ट्रांस में हमारे क्या होते हैं, वो दूसरे मतलब ऑपोजिट फेस में हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको बताया ही होगा आपने उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, कि सिस और ट्रांस में बेसिकली फर्क क्या होता है, ठीक है। ये आइसोमर्स ही होते हैं एक तरह के। फिर आता है ओमेगा थ्री फैट। ओमेगा थ्री फैट में क्या है, दे कैरी ओनली वन डबल बॉन्ड, इनके अंदर एक ही डबल बॉन्ड होता है एंड थ्री कार्बन एटम्स फ्रॉम एंड ऑफ द फैटी एसिड मॉलिक्यूल, और इसके एंड में क्या लगा होगा, थ्री कार्बन प्रोडक्ट लगा होगा, ठीक है। ये है ओमेगा थ्री। एग्जाम्पल ऑफ ओमेगा थ्री लाइनोलिक एसिड एंड फिश ऑयल, ओमेगा थ्री भी इसका एग्जाम्पल है, लाइनोलिक एसिड भी, फिश ऑयल भी है, ओमेगा थ्री फैट में रिच होते हैं हमारे बेसिकली, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दे आर बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल टू रन ऑन द लाइफ ऑन अर्थ। अगर धरती पे हमें जीवित रहना है तो ये हमारा ईंधन है एक तरह से, ठीक है, बेसिक हमें फ्यूल दे रहा है, ये हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, मेन सोर्स हमारा एनर्जी का यही होता है, ठीक है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीड एल्डिहाइड और कीटोन्स। केमिकल नेचर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, इनके अंदर काफी सारे हाइड्रोक्सी एटम्स होते हैं, ठीक है, और कीटोन्स होते हैं। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज देता है, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्लासिफिकेशन में आ जाता है हमारे पास मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, मोनो आ गया ना, तो जिनके अंदर मोनो है वो, अब एक ही सिंगल है, आप उन्हें फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनको आप तोड़ नहीं सकते हो। फिर आता है डायसेक्राइड, डाई मतलब दो, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रोलाइज, पानी से ब्रेक डाउन करोगे इनका तो ये दो मोनोसेक्राइड देंगे, मतलब दो मोनोसेक्राइड मिलाकर हमारे क्या बना रहे हैं, डायसेक्राइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डाइसेक्राइड बना रहे हैं, जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये हो गया। अब इनको तोड़ोगे तो इनमें से कुछ एक एक मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसे आता है पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब दो से ज्यादा, तो ये है जब उन्हें तोड़ोगे तो दो से ज्यादा हमें मोनोसेक्राइड मिलेंगे, जैसे स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, ये इसके एग्जाम्पल आ गए। फिर है हमारे पास सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
सोर्सेज मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, डाइटरी सीरियल्स ग्रेन जो हम बाजरा गेहूं आटा ये सब चीजें खाते हैं, मिलेट से हो गए, लेग्यूम से हो गया, दालों से हो गया, रूट्स जड़े कोई ट्यूबर सब्जियों से हो गया, आलू से हो गया, स्वीट पोटैटो से हो गया, इन सब से हमें ये मिलते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारे विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, ये जरूरी है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं अगर विटामिन्स की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, हमारा कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाती है। हर विटामिन के अपने काम है करने को, अगर एक विटामिन मिस हो जाए तो कोई ना कोई कमी हो जाती है शरीर में। तो दो तरह के विटामिन है, बहुत बार पढ़ लिए, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है हमारा ADEK और वाटर सॉल्युबल में हमारे विटामिन बी और सी आते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते क्योंकि ये है वाटर सॉल्युबल, तो पानी में घुल के ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं हमारे। ठीक है, और फिर आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ये कहाँ स्टोर हो जाते हैं, लिवर में स्टोर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो दैट मीन्स ADEK स्टोर हो जाते हैं, BC निकल जाते हैं। ठीक है, ये अब है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, खनिज पदार्थ जिनको हम बोलते हैं बेसिकली। तो ये मिनरल्स क्या, इनऑर्गेनिक मतलब इनके अंदर कार्बन नहीं होता। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी में चाहिए टिश्यू बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बॉडी के फ्लूड को और बहुत सारे काम करवाने के लिए। जैसे मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल होते हैं। मेजर हो गया रिक्वायर्ड इन अमाउंट, 100 mg से ज्यादा जब हमें दिन में कोई मिनरल चाहिए तो वो मेजर में आएगा, उन्हें मैक्रो मिनरल भी बोलते हैं। और ट्रेस हो गया जो कि बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, 100 से अगर कम चाहिए तो वो ट्रेस एलिमेंट हो गया, इसको माइक्रो मिनरल भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये अब है इसमें हम अब कुछ मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से मिलता है, चीज से मिलता है, ठीक है, सैलमन से मिलता है, ठीक है, एक तरह की मछली है, और जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है जैसे साग पालक इनसे मिलता है। ये क्या है, कैल्शियम पता ही है हमें हड्डियां और दांत बनाने में हेल्प करता है। नर्व इम्पल्स में भी हम पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ा था हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैल्शियम का भी रोल होता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन कराने में। खून को जमाने में भी मददगार है ये। ठीक है, नॉर्मल एक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट ढंग से काम करे, नॉर्मल मसल एक्टिविटी करे, क्योंकि कैल्शियम ही निकलता है ना हमारे सार्कोप्लाज्म में से, तभी हमारे जो है वो मसल मूवमेंट होती है, तो वो हो गया। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, पोर आ गया ना, पोर वर्ड, पोर होता है छेद, तो ऑस्टियो मतलब बोन, तो बोन छेदीदार हो जाती है। ठीक है, वो ऑस्टियोमलेशिया वीक हो जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, वो रिकेट्स बच्चों में होता है। ठीक है, टेटनी कैल्शियम की कमी की वजह से मसल स्पाजम हो जाता है। मसल स्पाजम मतलब कहीं जगह कंट्रैक्ट होगा, कहीं ट्विचिंग होती है ना मसल की, एकदम से आंख में ऐसी फड़फड़ाहट सी लगती है, तो टेटनी बोलते हैं उसे। रिटार्डेड ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि बोन्स, अगर बोन्स मतलब कैल्शियम बोन्स सॉरी कैल्शियम हमारा स्टोर होता है बोन्स में, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो अगर कैल्शियम ही नहीं रहा, हड्डियों पे असर आएगा, तो हमारी जो ग्रोथ है वो भी रिटार्ड हो जाएगी, मतलब धीमी हो जाएगी, दांत भी खराब हो जाएंगे और बोन भी ढंग से बनेगी नहीं। तो ये हमारे नुकसान है कैल्शियम के। फिर है फॉस्फोरस। कैल्शियम फॉस्फोरस भाई भाई, मिल्क चीज मीट फिश इन सब से बिल्कुल सेम, उन्हीं से मिलेगा। ये भी हमारा बोन्स, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना हमारा हड्डियों में, तो बोन्स और टीथ में ही करेगा, साथ ही साथ pH जो है ब्लड का वो भी मेंटेन करेगा। और इसकी डेफिशिएंसी वही है, डार्ट नहीं ठीक से बनेंगे, बोन नहीं फॉर्म होगी, वीकनेस रहेगी, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगेगी, और जनरल मलेज मतलब थकावट सी रहेगी। ये होता है फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फोरस भाई भाई, हमें ये याद रखना। अब आता है जी पोटेशियम। पोटेशियम कहाँ से मिलता है हमें, पोटेशियम जहां भी दिमाग में आए बस एक चीज डाल लो, केला, केले में भर भर के पोटेशियम होता है, ऑरेंज, बनाना, ड्राई फ्रूट और कोई सब्जियां, दालें, दूध, सीरियल्स, मीट, इन सब में पोटेशियम होता है हमारा। ये क्या करता है, कंट्रैक्शन करवाता है मसल, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस, सोडियम पोटेशियम पंप सुना होगा आप लोगों ने, उसमें भी मददगार है। मेजर इंट्रा सेलुलर कैटायन, जो सेल होता है वो इसका घर होता है, इसको बड़ा पसंद है सेल के अंदर रहना। ठीक है, ये तो ये इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर का कैटायन होता है।
इट रेगुलर हार्ट रिदम, हार्ट रिदम भी मेंटेन करके रखता है, सेल को भी बढ़िया रखता है. अगर इसकी कमी हो जाए तो उसे बोलता है हाइपोकैलीमिया. हाइपो मतलब कम, कैलीमिया मतलब पोटेशियम. तो कैली में भी केला आ रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को. इसकी वजह से मसल कमजोर होंगे, कंफ्यूजन होती है और हार्ट बीट भी इरेगुलर होती है. इनको कैसे याद रखोगे? एक एक आपने चीज याद रख ली कि अच्छा इसकी कमी की वजह से ये होता है, बाकी जो इसके काम है उन सबको कम कर दो. कंट्रैक्शन नहीं करेगा, मसल की कमी हो गई. फ्लूड बैलेंस नहीं मेंटेन करेगा, ठीक है. हार्ट रिदम रेगुलेट कर रहा है तो हार्ट रिदम ढंग से रेगुलेट नहीं होगी, सेल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. नहीं याद होता तो आप ये भी आइडिया कर सकते हो कि एक चीज याद रख लो, दूसरी उसको उल्टा कर दो, ठीक है. अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, तो हाइपो को उल्टा कर देंगे, हाइपर कैलीमिया कर देंगे. और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट रेट्स जो है हमारी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. ओके, अब आते हैं सोडियम. भाई साहब, सोडियम क्या है? नमक, ठीक है. टेबल सॉल्ट, बीफ, एग, मिल्क, चीज, सोया सॉस, प्रोसेस्ड फूड, ये चिप्स, कुरकुरे, इन सब में सोडियम भर भर के मिलेगा आपको. ये भी सोडियम पोटेशियम पंप भाई भाई वही करेगा. ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, वो तो सेल के अंदर रहता था, ये आपको बाहर मिलेगा उसके सेल के, ठीक है. ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस भी बनाता है, मसल कंट्रैक्शन, बोला ना, सोडियम पोटेशियम भाई भाई, कैल्शियम फॉस्फोरस भाई भाई. कमी हो जाए हाइपोनेट्रीमिया, बोलेंगे याद है सोडियम को हम एनए लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं? नेट्रीमिया, वहां से याद रखेंगे, ठीक है. नोजिया, एग्जॉशन, मसल क्रैम, इन्हीं सबको उल्टा कर दो. टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, कहते हैं ना सोडियम ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा खा लिया तो बीपी की बीमारी हो गई. ये एडिमा, फ्लूड भर जाएगा शरीर में, ठीक है. ये फिर आता है जी क्लोराइड. क्लोराइड कहाँ मिलेगा? अंडों में, टेबल सॉल्ट में, सी फूड में, मिल्क में मिलेगा. ये क्या करता है? गैस्ट्रिक एसिडिटी मेंटेन करता है. सुना है आपने HCl, हाइपोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? पेट में मिलता है, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें कहाँ मिलता है? पेट में, है ना. तो वो क्या, गैस्ट्रिक एसिडिटी मेंटेन करके रखेगा, एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बनाएगा, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाएगा. कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो गैस्ट्रिक एसिडिटी हिल जाएगी आपकी, ज्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी, कम हो गया तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, पीएच नहीं ढंग से रहेगा, नौजिया, वॉमिटिंग और थकावट रहेगी, ठीक है. ये मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है? हरी सब्जियों से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है, एवोकैडो फ्रूट आता है एक तरह का उससे मिलता है, नट्स, मिल्क, लेग्यूम्स, दालों से और केलों से मिलता है, सी फूड से मिलता है, कोकोआ से मिलता है, चॉकलेट जिससे बनती है, ठीक है. ये भी नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है और ATP बनाने में मददगार है, ठीक है. आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या, कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट. वो भी एम से है, ये भी एम से है, तो मैग्नीशियम माइटोकॉन्ड्रिया भाई भाई एटीपी बनाने में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिक एंजाइम्स को चालू करने में मदद करेगा, ठीक है. इसकी कमी होगी या ज्यादा हो गया, मेंटल, इमोशनल और मसल के डिसऑर्डर हो जाते हैं इसकी वजह से. अब है जी आयरन भाई साहब, इसको तो सब पता है, सब सलाह देते हैं एक दूसरे को कि आयरन किन किन में होता है. जरा मुझे पहले बताओ आयरन किन किन में होता है, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ आयरन किन किन में होता है, क्या क्या खाने से आपको आयरन मिलता है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी जल्दी. किसी को नहीं पता? पालक से, अच्छा, मीट और ग्रीन वेजिटेबल, मीट, पालक और अनार. सुना है किसी ने? अनार खाओ, चुकंदर, वेरी गुड, बीटरूट, वेरी गुड, पॉमीग्रेनेट, वेरी गुड. सब बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज तो. आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा? मीट में, पोल्ट्री में, अंडे वगैरह से, शेलफिश, लीवर, लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन, सीरियल, इन सबको छोड़ो, तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो. डार्क लीफ ग्रीन वेजिटेबल वही आ गया, पालक वगैरह आ गया. इसके अलावा पॉमीग्रेनेट लिख सकते हो, बीट रूट लिख सकते हो, ठीक है. ये तो आप लोगों को आम भी पता आयरन किसमें मिल जाता है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है. और डेट्स में भी मिल जाता है, स्पेशली यहाँ आ गया ना ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, खजूर में. ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि आयरन ही हमारा हीमोग्लोबिन बनाएगा,
है ना, देखा होगा सुना होगा किसी की एचबी कम होगी तो क्या कहते हैं, आयरन रिच फूड खाओ एचबी बढ़ेगी, है ना। तो वही है, एचबी का काम क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, तो वो करेगा। और क्या, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, वही जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलर एंजाइम एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बनाने में भी मददगार है आयरन, ठीक है। इसकी कमी हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, एनीमिया क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है, ये सिंपल। आयोडीन, आयोडीन भी है, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट, मतलब हमने पढ़ा था ये, आइए सोशल फार्मेसी में पढ़ा था या किसी में हमने पढ़ा था, फूड एडल्ट्रेशन का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं, वो नमक लेते हैं जिसमें आयोडीन डाला हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आयोडीन थायराइड ग्लैंड को चलाने के लिए। सी फूड होता है जो समुद्री खाना होता है, ठीक है, ऑक्टोपस ये सब चीजें इनमें ज्यादा मिलता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, बीएमआर हमारा कंट्रोल करता है, कैसे, क्योंकि ये आयोडीन है, आयोडीन हमारे हार्मोन निकलवाएगा T3 T4 थायराइड ग्लैंड के पास जाके, और वो हमारा बीएमआर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये कमी हो जाए, वो अगर ज्यादा हो जाए, गोइटर, वही ये सारी वो थायराइड ग्लैंड वाली बीमारियां, गोइटर हो जाएगा, मिक्सेडीमा हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिंक हो गया, जिंक क्या है, इट इज प्रेजेंट इन सी फूड, ये भी सी फूड, लीवर, एग्स, मीट, इन सब में होता है। ये कलेजन बनाने में मददगार होता है, जख्म भरने में मददगार होता है, टेस्ट एक्यूटी, टेस्ट का आइडिया रहता है। कहीं कहते हैं ना, हमें पता नहीं चलता नमक इसमें कम है ज्यादा है, हमें पता नहीं चलता, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो लगता है तुम लोगों में जिंक की कमी होगी, तो जिंक अच्छे से खा के देखना जरा, ठीक है। ग्रोथ के लिए अच्छा है हमारी, अगर कमी हो जाए ड्वार्फिज्म, हाइट छोटी रह जाती है, खून की कमी हो जाती है, कुछ खाने को मन नहीं करता, स्किन में चेंज आ जाते हैं, वूंड ढंग से नहीं भरता, ये वही जो उसके फंक्शन है, इसे उल्टा कर दो, सेम वही काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हमारे मिनरल्स खत्म हो गया, फाइबर। फाइबर क्या है, घास फूस जो हम खाते हैं, वही, इनको रफेज भी बोलते हैं, या बोलते हैं बल्क, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, एज इट इज हमारे फीसीज में से पास हो जाते हैं। ये वो पार्ट्स है प्लांट फूड के जो बॉडी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ये प्लांट के खानों में मिलते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ड्राइड सूखे मटर में, नट्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, इन सब में मिलता है। फायदे क्या है इसको खाने के, एक तो बावल मूवमेंट अच्छी रहती है, टाइम से स्टूल वगैरह पास होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है, ठीक है, और अच्छे हेल्दी रहोगे, क्योंकि कुछ तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, पेट भी भरा भरा सा लगेगा, अच्छा वेट रहेगा आप लोगों का, ये ठीक है। अब कंडीशन लिंक टू लो फाइबर इंटेक, अगर अच्छे से फाइबर नहीं लेते हो, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है, ठीक है। ये हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स क्या होता है, जो आपका एनस रेक्टम वाला एरिया है, वहां की जो वेन्स होती है वो स्वॉलन हो जाती है, ठीक है, वहां पे खून जम जाता है। ओवरवेट, मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी, वही है। कोरोनरी हार्ट डिसीज, दिल की बीमारियां हो जाएंगी, मधुमेह का, शुगर का रोग हो जाएगा। इरिटेबल बावल सिंड्रोम, वही दर्द रहेगा पेट में, फ्लैटुलेंस, बार बार एयर पास करेंगे, ठीक है, ब्लोटिंग, भरा भरा सा पेट लगेगा अगर कम फाइबर लेते हैं तो, ये ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट, ये आ जाता है, इस पे शॉर्ट नोट लिखना, बैलेंस डाइट पे शॉर्ट नोट लिखो, तो नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा डाइट जो कि बैलेंस है, मतलब एक ऐसा डाइट जिसमें डिफरेंट तरह के खाने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, ऐसे अमाउंट में है जो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कर रहे हैं। क्या ऐसे सुना होगा आपने, 100% मतलब आप जितना भी खाना खाते हो दिन का, उसमें से सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट 40% की होती है, 60% तो आप मजे मजे में खा जाते हो, ऐसा सा है कुछ सिनेरियो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो बेनिफिट क्या है बैलेंस डाइट के, क्या क्या करेगा बैलेंस डाइट, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखेगा, बीमारियां नहीं होंगी, ज्यादा लंबी जिंदगी जियोगे, अच्छी रहेगी त्वचा, दांत, आंखें अच्छी रहेंगी, मसल्स अच्छे रहेंगे, वही है दोबारा से पॉइंट आ गए, इट बूस्ट इम्यूनिटी, काफी सारी बीमारियों के खतरे से बच जाओगे, डाइजेस्टिव फंक्शन अच्छा रहेगा और एक अच्छा वजन मेंटेन कर पाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे। तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा एक बैलेंस डाइट का एक हमारा ट्रायंगल है, ग्रेन्स,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव्स, फैट, शुगर एंड ऑयल. ये क्या दिखाना चाहता है बेसिकली? ये दिखाना चाहता है, पेपर में आप ये सारी ड्रॉइंग्स तो बना के नहीं आओगे, ये ट्राइंगल बना के बीच में ये नाम लिखाना है इनके. ठीक है, मतलब ग्रेन्स जो है ये आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में खाने चाहिए. जैसे कि ये लड्डू है, हाँ लड्डू, ठीक है, ब्रेड खाओ, बिस्किट खाओ, पास्ता खाओ, ठीक है, या हमारे जो क्या कहते हैं, गेहूं, आटा, दाल, ये सारी चीजें हमारी, ये खाओ. ठीक है, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल इससे थोड़ा कम खाओ. ठीक है, ये फिर मिल्क की जो प्रोडक्ट्स है, मीट, फिश है, ये उससे थोड़ा कम खाओ, और सबसे कम फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर, ये सबसे कम खाओ. तो ये एक ऐसे एक बैलेंस डाइट हमारी बनती है. ठीक है, अब आए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माल न्यूट्रिशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को माल हो गया, मतलब न्यूट्रिशन में कोई कमी आ गई है. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन माल न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? द सेलुलर इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड द बॉडीज डिमांड फॉर देम टू इंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस. बेसिकली क्या होता है, माल मतलब हिल गया. ठीक है, तो जितना बॉडी का हमारा डिमांड था, जितना बॉडी का डिमांड था, या तो आप बहुत ज्यादा दे रहे हो बॉडी को या आप बहुत ही कम दे रहे हो, उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. वेरी सिंपल. नहीं याद होता, भाड़ में जाने दो. हमें क्या याद रखना है, जितना हमारा बॉडी का डिमांड है, ठीक है, या तो आप उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो खाने को या उससे बहुत कम दे रहे हो खाने को, उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. हमेशा हम सोचते हैं माल न्यूट्रिशन होगा कम दे रहे हैं खाना, कमी हो रही है किसी चीज की, नहीं. ठीक है, ज्यादा देना भी माल न्यूट्रिशन में आता है. ठीक है, ये प्राइमरी माल न्यूट्रिशन, सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन. प्राइमरी हो गया डाइट की वजह से, लेकिन सेकेंडरी हो गया कि डाइट तो आप ले रहे हो लेकिन वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो रही बॉडी में. इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो लेकिन वो पूरी बॉडी में फैल नहीं रहे हैं अच्छे से. एक्सेस न्यूट्रिएंट लॉस, ले तो रहे हो लेकिन ज्यादा निकल रहे हैं. ठीक है, और इंक्रीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट, ज्यादा आपकी न्यूट्रिएंट की नीड बढ़ गई है जितनी थी. तो ये होता है सेकेंडरी. प्राइमरी हो गया खाना ही नहीं खा रहे हो, सेकेंडरी में हो गया बॉडी का कोई दिक्कत है, खाना तो और ढंग से खा रहे हो. ठीक है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इस पे ये अलग से भी आ जाता है. अगर माल न्यूट्रिशन का शॉर्ट नोट आता है तब भी ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिख के आना, नहीं तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अलग से भी आ जाता है. ठीक है, तब भी आप माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख सकते हो. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या है? प्रोटीन एनर्जी मतलब इनएडिक्वेट इनटेक, प्रोटीन्स का भी कम या ज्यादा ले रहे हो या कैलोरीज भी कम ज्यादा ले रहे हो. ठीक है, इसमें हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो हमें सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं, मारासमस और क्वाशियोर्कर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नोट्स बना लेना, रट लेना, ये आएगा ही आएगा पेपर में. ठीक है, मारासमस और क्वाशियोर्कर. अगर मारासमस पे शॉर्ट नोट आता तब भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिख के आओगे, क्वाशियोर्कर पे आता तब भी लिख के आओगे. ठीक है, ये मारासमस क्या होता है? इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोटीन एनर्जी डेफिशियंसी एंड इट इज करेक्टराइज बाय वेस्टिंग ऑफ मसल फैट टिश्यू दैट विल लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन. ये भाई साहब जी देख रहे हैं मैरेसमस वाले, आप मैरेसमस 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 एम एम से होता है मोटा. अब मोटे में जो सिम्टम होते हैं उसके सारे उल्टे सिम्टम इसके अंदर होंगे, ये मत याद रखना. एम से मैरेसमस, एम से मोटा, तो ये वाला बंदा चिपकाया नहीं, ये वाला आएगा. मोटे का सब उल्टा इसमें होगा. ठीक है, कॉन्सिक्वेंस प्रोटीन एनर्जी की कमी की वजह से वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मसल्स रहते ही नहीं है, जान ही नहीं रहती इसके अंदर. ठीक है, वो और फैट टिश्यू भी नहीं रहता जिसकी वजह से ग्रोथ इसकी कम हो जाती है. सीरम प्रोटीन, प्रोटीन इसमें नॉर्मल रहता है, लेकिन सीरम प्रोटीन नॉर्मल एंड देयर इज नो एडिमा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स फिर भी ठीक रहते हैं, प्रोटीन्स का लेवल ठीक रहता है. अगर प्रोटीन्स में कोई दिक्कत आती तो इसमें पानी भर जाता, लेकिन अब इसमें प्रोटीन्स में कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए कोई एडिमा नहीं हुआ. जैसे इसके पेट में यहाँ पे आप फुलावट देख रहे हो, वो इसके पास नहीं है क्योंकि इसके प्रोटीन्स फिर भी ठीक है. ये किसी भी उम्र में हो जाता है, इजिली कंपनसेटेड बाय नॉर्मलाइजिंग न्यूट्रिशनल सप्लाई ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. किसी भी एज में हो जाता है, लेकिन अगर डाइट अगर ढंग से लेने शुरू कर दोगे, कैलोरीज अच्छे से लोगे, प्रोटीन्स अच्छे से लोगे, फिर ये दिक्कत हट जाएगी. वेरी इजी. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? वेट इज लेस देन 60% ऑफ द नॉर्मल.
जैसे एक बच्चे का 10 किलो वजन होना चाहिए था इस पर्टिकुलर उम्र पे, फॉर सपोज एक्स उम्र पे बच्चे का 10 किलो वजन होना चाहिए था, इसके 60% से भी कम वजन होगा तो कहलाएगा मारेसमस। लॉस ऑफ मसल मास, मसल्स में जान ही नहीं रहेगी, कोई फैट नहीं रहेगा। हेड अपीयर्स टू लार्ज फॉर द बॉडी, जो शरीर है शरीर के मुताबिक जो उसका मुंह है वो क्या बड़ा लगेगा क्योंकि बाकी शरीर घटता जा रहा है, ठीक है। बाल चले जाएंगे, हेयर लॉस हो गया, बुड्ढो जैसा चेहरा दिखेगा, ठीक है। रिंकल्ड स्किन, झुर्रियों वाली त्वचा दिखेगी। सीवियर मसल वेस्टिंग, मसल वेस्ट हो रहे हैं इसके। इम्यून डेफिशिएंसी हो जाएगी उसको और उसकी वजह से और भी कई तरह की इन्फेक्शन इसको लग सकती है। तो समझ आया इतना कि कैसे मैरेसिमस मतलब एम एम मतलब मोटा, मतलब मोटे के सारे उल्टे फीचर इसको चिपका रहे हैं आपको, ठीक है। ये फिर आता है जी क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर क्या है? चाइल्डहुड प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी, ये भी है। जब प्रोटीन डेप्रिवेशन, अब पीछे वाले में प्रोटीन तो उसका ठीक ठाक था, कैलोरीज में दिक्कत आई थी, इसमें ज्यादा प्रोटीन की दिक्कत आएगी। टोटल कैलोरीज फिर भी किसी हद तक थोड़ी बहुत ठीक रहेंगी लेकिन प्रोटीन की ज्यादा दिक्कत है। टिपिकली उन बच्चों में होगा जिनको माँ के दूध से जल्दी छुड़वा दिया जाता है, ठीक है। ये इट इज करेक्टराइज बाय हाइपो एल्बुमिनीमिया, हाइपो कम एल्बुमिन मतलब प्रोटीन, ईमिया मतलब ब्लड में कमी हो जाएगी प्रोटीन की, जिसकी वजह से जब प्रोटीन की कमी आ गई तो भाई साहब जी का पेट फूल गया, क्या हो गया, एडिमा हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे स्वोलन एंकल, ये इसके सूजा हुआ है पैर भी इसका, है ना, तो वो क्या है, एडिमा बोलेंगे इसे। पेट में भी पानी भरा हुआ है, पेट में पानी भरने को असाइटिस बोलते हैं। और स्केली त्वचा हो जाएगी, कंडेदार इसकी त्वचा हो जाएगी, ठीक है। ये लॉस ऑफ वेट मास्क बाय एडिमा, वजन तो इसका भी घटेगा क्योंकि डेफिशिएंसी तो इसे भी है लेकिन एडिमा हो गया, पानी भर गया तो उस वजह से मोटा ताजा लगेगा, ठीक है। ये फ्लेकी पेंट अपीयरेंस ऑफ स्किन, जैसे पेंट उतरता है ना, पपड़ी उतरती है घर पे, वैसी सी त्वचा लगेगी। और ये भी इम्यूनिटी कम कर देगा जिसकी वजह से और भी बीमारियां हो सकती है। तो ये दो फोटो को अपने दिमाग में बिठा के जाना पेपर के दिन, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे विटामिन्स, विटामिन ए, ठीक है। सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, लीवर ऑयल, मक्खन, दूध आदि चीजें सेम ही होती है, ठीक है। आपको याद रखना मेन कैरेट, ठीक है, गाजर से मिलेगा, पालक से मिलेगा, साग से मिलेगा, ठीक है, और हमें पपीते से मिलेगा, कॉर्न से मिलेगा, इन सब से मिलेगा। कमी हो जाए जीरोफ्थेल्मिया, कंजक्टिवाइटिस, किराटोमलेशिया, तीनों ही आईज की बीमारियां हैं, ठीक है। नहीं याद होती आई डिसऑर्डर्स भी लिख के आ सकते, आई डिसऑर्डर्स, ठीक है। आई डिसऑर्डर में जीरोफ्थेल्मिया मतलब आंखें बिल्कुल सूख जाएंगी, कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, किराटोमलेशिया रेटाइना की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। ये विटामिन डी, विटामिन डी पता ही है, धूप में बाहर जाओ आजकल विटामिन डी ही मिलेगा तुम लोगों को सिर्फ। कहाँ से? फिश लीवर ऑयल से मिलेगा, एग योक, मिल्क, बटर, चीज, सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट से मिलेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। कमी हो जाए रिकेट्स, जो बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया बढ़ोगी, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? तेल से मिलता है हमें ज्यादातर, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफिस, मसल्स में वीकनेस आ जाएंगी। हीमोलिटिक एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। ये विटामिन के, भाई साहब ये हमारा ब्लड क्लोटिंग वाला है, ब्लड क्लॉट खून जमाने में मदद करता है। सब्जियों में मिलेगा, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टमाटो, स्पिनेक, एग योक, मीट, लीवर, चीज, इनमें मिलेगा, ठीक है। ये कमी हो जाए हेमरेजिक डिसऑर्डर, हेमरेजिक मतलब खून ही निकलता रहेगा, छोटा सा भी कट लगा खून निकलता रहेगा क्योंकि खून जमेगा नहीं विटामिन के की कमी से, तो ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फिर है विटामिन सी, खट्टी चीजों में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स, पपीता, पाइनएप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब में मिलेगा। सबसे ज्यादा आंवला में मिलता है, ठीक है, इंडियन गूजबेरी बोलते हैं इसे। कमी हो जाए स्कर्वी, मसूड़ों में से खून आने लग जाएगा, जख्म नहीं भरेंगे और बोन्स नहीं ढंग से बनेगी, ये ठीक है। विटामिन बी वन, बी वन को क्या बोलते हैं? थायमिन, क्या बोलते हैं? थायमिन। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, नट्स, मैं बताती हूँ ये ना याद करने मुश्किल हो जाते हैं किसमें क्या क्या मिलता है। चार पांच कॉमन रट लो,
मीट में सब कुछ मिलता है ऑलमोस्ट, ठीक है, एग में सब कुछ मिलता है, मिल्क में सब कुछ मिलता है ऑलमोस्ट, नट्स में सब कुछ मिलता है, ये तो रट लिए, दो दो इनके स्पेसिफिक कर जाओ कि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, ऐसे 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 ये कर जाओ, ठीक है। ये कमी हो जाए बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी में ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ड्राई में पानी नहीं भरता, वेट में हार्ट में पानी भर जाता है, इन्फेंटाइल जो बच्चे नवजात बच्चे को होता है, बेरी बेरी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर आता है B2, B2 है राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं इसे, राइबोफ्लेविन। तो अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, वही दो चार आपने रटने हैं उसमें मिलता है, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिलता है, ठीक है। डेफिशिएंसी चिलोसिस, ठीक है, चिलोसिस क्या होता है, हमारे जो होंठ के साइड पे फट जाते हैं ना, ठीक है, वो हमारा होता है चिलोसिस। उसके बाद है ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस क्या है, टंग, दांत, ग्लोस आ गया ना, तो ग्लोसाइटिस मतलब हमारे जो टंग है उसकी इन्फ्लामेशन, आइटिस हो जाएगी। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की, डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, स्किन की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। विटामिन B3 है नियासिन, नियासिन क्या है, सोर्सेस वही सब सेम, डेफिशिएंसी अच्छे से रट जाना इनकी सबकी एक एक। ये होता है, करता है पलैग्रा, पलैग्रा क्या करता है, पलैग्रा में 3D होते हैं, 3D, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। डायरिया 10 लग जाते हैं, स्किन की इन्फ्लामेशन और भूलने लग जाते हैं चीजें। फैटी लीवर, ए क्लोरहाइड्रिया, ए क्लोर, ए मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्लोर मतलब हमारा क्लोराइड, ड्रिया मतलब हमारे जो क्लोरिक है, हमारे बॉडी में क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट में, वो नहीं बनता, तो ये ए क्लोरहाइड्रिया करेगा, ठीक है। ये फिर है विटामिन B5 आ गया, तो पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसे, किडनी, लीवर, एग योक, यीस्ट, सीरियल, इन सब से मिलेगा। कमी होगी नौजिया, वॉमिटिंग और GI के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के डिसऑर्डर, फैटी लीवर और बर्निंग फूड सिंड्रोम इसका इंपॉर्टेंट है, ऐसे लगेगा पैर जल रहे हैं, ठीक है। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन ईस्ट, राइस, पॉलिशेज, लीवर, किडनी, फिश, इनमें मिलता है। कमी हो जाए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, डिप्रेशन में चला जाता है, जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी आप लिख सकते हो, इरिटेशन रहेगी, नर्वसनेस रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी, दौरे पड़ेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन B7 बायोटिन एग से, लीवर, किडनी, मिल्क, टमाटो, इन सबसे मिलेगा। डर्मेटाइटिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है हाथ पैर है सिर्फ वहीं पे ही होगी। पेलर स्किन, स्किन हमारी पेल हो जाएगी, मसल में पेन, भूख नहीं लगेगी, डिप्रेशन, हाइपर क्लोरेस्ट्रोलीमिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, कोलेस्ट्रोल मतलब कोलेस्ट्रोल और ईमिया मतलब ब्लड में, तो ब्लड में कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाएगा। विटामिन B9 सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलिक एसिड, इसके बिना बच्चे को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो नहीं लेती है इसे, ठीक है। लीवर, ईस्ट, किडनी, इन सबसे मिलता है। कमी की वजह से मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट में देखने को मिलती है, ठीक है, या दूध पिलाने वाली माओ में, या जो वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है उनमें, या शराब जो पीती है उनमें, जिसकी वजह से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है, जो उसकी स्पाइन की हड्डी होती है, न्यूरल ट्यूब्स होती है, वो ढंग से ग्रो नहीं करती, जिसकी एनेंसेफेली, ब्रेन आधा नहीं बनता, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आती है, ठीक है। फिर है विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 लास्ट है, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, कोबाल्ट होता है इसके अंदर, लीवर, किडनी, मिल्क, इन सब में मिलेगा। नहीं होगा एनीमिया होगा, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ग्लोसाइटिस, टंग की इन्फ्लामेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और मसल म्यूकोसल एट्रोफी ऑफ द माउथ, जो माउथ का म्यूकोसा है हमारा उसकी एट्रोफी हो जाएगी, मतलब उसके सेल्स है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। ये थे विटामिन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फोर्टिफिकेशन, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है आप लोगों को, व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। WHO ने बोला है, द प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी टू मेंटेन और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डाइट इन अ ग्रुप, कम्युनिटी और अ पॉपुलेशन। जब भी किसी खाने में, जैसे मैंने बताया नमक होता है, नमक को हम आयोडाइज्ड करते हैं, आयोडाइज्ड क्या करते हैं, उसमें आयोडीन डालते हैं, तो इसे बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं खानों में, चाहे छोटी क्वांटिटी में, जो कि उसका क्वालिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को उसे फायदा है, कम्युनिटी को फायदा है, तो उसे बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। क्यों जरूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन की, स्टेपल फूड की? फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ऐड करना एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स किसी भी खाने में, ठीक है, जो कि नॉर्मली फूड में नहीं होता, तो उसकी वजह से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, किसी पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है, ये सारी चीजों की वजह से हमें फूड फोर्टिफिकेशन करना पड़ता है।
अ व्हीकल्स फॉर फोर्टिफिकेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जैसे कि एडिबल कॉमन सॉल्ट, जो हमें नमक का एग्जांपल दिया था, नमक में आयरन डालते हैं या आयोडीन डालते हैं. जो हमारा होल व्हीट फ्लावर है, गेहूं का आटा या मैदा है, उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक डालते हैं फोर्टिफिकेशन करके. चावल जो है उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक डालते हैं. दो चार याद रख लो, बहुत है आप लोगों को. वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें विटामिन ए और डी डालते हैं. मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे, ठीक है, उसके अंदर हमारे विटामिन डी, ए, आयरन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड, ये सब डालते हैं. ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के जो सप्लीमेंट्री फूड है, जो भी हम देते हैं बच्चे को, खिचड़ी वगैरह, वो सब उनमें आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक डाला होता है. जो चीनी है उसके अंदर विटामिन ए डाला होता है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है. ठीक है, क्या फायदा है फोर्टिफिकेशन करने का? एक तो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की में जा रहे हैं उनके अंदर, ठीक है, और आपको अलग से वो चीज का बर्डन नहीं पड़ता है ना वो, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, बीमारियों से बचा रहे हो. नुकसान क्या है? शेल्फ लाइफ फोर्टिफाइड सीरियल, जिसको आप फोर्टिफिकेशन करते हो उसकी शेल्फ लाइफ घट जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल चाहिए आपको उसको करने के लिए. और प्रोलॉन्ग कुकिंग ऑफ फोर्टिफाइड फूड, अगर जो हम किसी खाने को काफी देर तक बना रहे हैं तो उसे 90% लॉस हो जाता है विटामिन सी का. और फोर्टिफाइड कमोडिटी ज्यादा महंगी, क्योंकि पहले खाना अलग से, जैसे नमक अलग से बनाओ, फिर उसको फोर्टिफिकेशन करो, तो उसमें हमें क्या है वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड सेफ्टी. फूड सेफ्टी पे भी आप लोगों को शॉर्ट नोट आ जाता है. व्हाट इज फूड सेफ्टी? फूड सेफ्टी साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम हैंडल, ढंग से हैंडल करेंगे खाने को, ढंग से बनाएंगे, ढंग से स्टोर करेंगे, ताकि जो खाने से बीमारियां होती हैं वो ना हो. ठीक है, ये होगा. इट इज ऑल्सो नोन एज फूड हाइजीन, कि फूड को आप साफ सुथरा रख रहे हो, ये कर सकते हो. ठीक है, इसमें आप काफी सारी चीजें कर सकते हो ताकि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे. फूड कंटामिनेशन क्या होता है? फूड का खराब होना, मतलब फूड जो कि खराब हो गए किसकी वजह से, या तो उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, जैसे बैक्टीरिया, पैरासाइट या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि उसको खराब कर रहा है, मतलब हम उसे खा नहीं सकते, तो यहां तो ये हो सकता है. ठीक है, देन केम आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट. आर्टिफिशियल राइपनिंग, राइपनिंग होता है पकाना, फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पका रहे हो आप खानों को, फ्रूट्स को बेसिक. राइपनिंग ऑफ फ्रूट वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि फ्रूट को क्या करता है, लेस ग्रीन करता है, सॉफ्ट कर देता है और मीठा कर देता है, क्योंकि जो कच्चे होते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं फ्रूट्स, है ना वो. तो राइपनिंग एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फ्रूट्स को मतलब डिजायरेबल फ्लेवर, क्वालिटी, कलर, पैलेटेबल नेचर, पैलेटेबल मतलब टेस्ट में अच्छा हो, ये सारी प्रॉपर्टीज आप देते हो. कॉम्पोजिशन चेंजेस में क्या है? एसिड कंटेंट हाई इन अनराइप फ्रूट, जो कच्चे होते हैं उनमें एसिड कंटेंट ज्यादा होता है, जो कि जब वो पक जाता है फिर वो कम हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो मीठा हो जाता है. और जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर्स में अमाइलेज की हेल्प से. हार्ड पेक्टिन है जो वो सॉफ्ट वन से कवर हो जाता है. वो जो कच्चे होते हैं वो हार्ड होते हैं खाने में, जो पके हुए होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, देन केम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. इनमें एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तभी ये मैं पढ़ा रही हूँ. देन केम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में है, जेनेटिकली आपने मॉडिफाई करा है, उसे चेंज करा है. ये वो फूड्स हैं जो कि कहां से लिए? आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से लिए. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जैसे मेरे पास ये बैक्टीरिया है, मैं इसके जीन्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर दूं, उससे मैं बना लूं. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मैंने चेंज करा है ऐसे वे में जो नेचुरली नहीं हो रहा, मैंने आर्टिफिशियली करा. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का हम यूज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब में करते हैं. ये क्या करता है? सिलेक्टेड इंडिविजुअल जीन, जैसे मेरे को इस पार्ट में चेंज लाना है तो मैं इसी पार्ट में चेंज लाऊंगी, बाकी एज इट इज रहने दूंगी उसको. ठीक है, ये कॉमन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है. कॉर्न जो भुट्टा होता है उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर रखा है. ठीक है, अल्फाल्फा होता है जो उसे कर रखा है. गोल्डन राइस मतलब चावल के अंदर जब हम विटामिन ए भर भर के डाल देते हैं, ठीक है, तो वो गोल्डन राइस बन जाते हैं. बीटी कॉटन ताकि बीमारी ना लगे इसको. सोयाबीन, पटेटो, टमाटो, इन सबको आजकल जेनेटिकली मॉडिफाई तरीके से बनाया जाता है. ठीक है,
अब क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है इनका, हमारे एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, हमें पैसे नहीं खर्चने पड़ रहे, इनकी अच्छी शेल्फ लाइफ है, जैसे टमाटो को ज्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है और लंबे चलते हैं अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, डिसीज एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो जाती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाता है, बाढ़ आने से बच जाते हैं, अगर बाढ़ आ भी जाती है तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट अच्छा हो जाता है, इनमें और सेंसरी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या है, डाइट के साथ जो आप एडिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो ये क्या है, वो डाइटरी सप्लीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा पदार्थ है जो आप मुंह से लेते हो, जिसके अंदर कुछ डाइटरी इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी डाइट को सप्लीमेंट करेगा और फायदा देगा। जैसे कि विटामिन के सप्लीमेंट ले लेते हैं, विटामिन बी की गोलियां खा लो, विटामिन सी की गोलियां खा लो, मिनरल्स ले लेते हैं, ठीक है, हर्ब्स ले लेते हैं, अमाइनो एसिड अलग से ले लेते हैं, वेट लॉस के प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस जैसे एंजाइम मेटाबोलाइट्स ये भी मिल जाते हैं मार्केट में आजकल खाने को, ठीक है। ये डाइटरी सप्लीमेंट्स आर मार्केट टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, सॉफ्ट जेल की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, इनमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीन तरह के डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल क्या है, जो नेचर से मिलेंगे, प्लांट एनिमल से। सेमी सिंथेटिक वो है जो कि नेचर से मिलेंगे लेकिन आपने उसमें थोड़ा बहुत केमिकल से चेंज करा है, और सिंथेटिक है जो कि आप आर्टिफिशियली अपनी इंडस्ट्री वगैरह में ही बना रहे हो। ये सप्लीमेंट्स कौन कौन, जैसे विटामिन है, ये हमें डाइट में चाहिए बॉडी के फंक्शंस कराने के लिए, विटामिन वाला काम, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। मिनरल्स वही है, अर्थ से खनिज पदार्थ लिए हैं, दो तरह के होते हैं, मेजर मिनरल, ट्रेस मिनरल्स, ये सब पीछे पड़ चुके हैं, फाइबर्स भी पड़ चुके हैं हम अच्छे से, ठीक है। फिर एक काम आती है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है, वो प्रोडक्ट है जो कि हमारी बेनिफिशियल, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ हमारी बॉडी में कराते हैं ताकि अच्छी डाइजेशन हो, जैसे याकूट आता है मार्केट में, वो प्रोबायोटिक है। प्रोटीन्स आपको पता है। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो मेटाबॉलिक एक्शंस में हेल्प करते हैं बॉडी के, तो मेटाबोलाइट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स का काम करते हैं। अब क्या फायदे हैं सप्लीमेंट्स के, आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, डाइट में कोई कमी नहीं रहती, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है बॉडी की प्रेगनेंसी में, आयरन सप्लीमेंट्स जैसे देते हैं, ठीक है, तो वो आयरन जैसे दे रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहे हैं, ओल्ड एज में हेल्प करते हैं। ओल्ड एज में कहते हैं ना मल्टीविटामिन के कैप्सूल खा लो, वही है, सप्लीमेंट्स ये सारे, ठीक है। फिर है हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल सेकेंड लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रास्यूटिकल के बाद ड्रग फूड इंट्रैक्शन है और फिर ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर थ्री। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है हमारा, न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिशन, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल, मतलब कंबाइन है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल का। मतलब न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मतलब जो कि फूड भी है उसके अंदर, लेकिन ऐसा खाना जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट भी दे रहा है, मतलब आपको किसी बीमारी से बचा रहा है, ठीक है। कोई भी नॉन टॉक्सिक फूड कंपोनेंट जो कि साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो सारे हम जिसे इलाज में लगा सकते हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल में आता है। मतलब सिंपली कहें तो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट जैसे कि न्यूट्रिशनल फंक्शन हो, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये लोग, हर्बल फाइटोकेमिकल्स, हर्ब्स हो गए, कोई बोटेनिकल प्रोडक्ट हो गया वो, या डाइटरी सप्लीमेंट, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम्स, ये हो, ठीक है। ये लास्ट है हमारे पास ड्रग फूड इंट्रैक्शन। ड्रग यहाँ आएगा, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ड्रग का खाने से इंट्रैक्शन, ठीक है। ड्रग फूड इंट्रैक्शन कब होता है, व्हेन योर फूड एंड मेडिसिन इंटरफेयर विद वन अनदर, जब एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। इंट्रैक्शन कैन हैपन विद बोथ प्रेस्क्रिप्शन, चाहे डॉक्टर ने लिख के दिए चाहे आपने खुद लिए, ये दोनों बारी हो सकती है, ठीक है। कॉमन फूड ड्रग इंट्रैक्शन में जैसे एंटा एसिड है, अवॉइड विद हाई प्रोटीन मील्स। एंटा एसिड के एसिडिटी कम करने के लिए देते हैं हम, है ना, तो अवॉइड विद हाई प्रोटीन मील, जो हाई प्रोटीन वाले खाने, दाल, सोयाबीन, इनके साथ ना लो, क्योंकि जो प्रोटीन है वो एंटा एसिड का इफेक्ट कम कर देता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम किस लिए करते हैं, बीपी वालों को देते हैं, ठीक है। वेरापामिल, एनाल्प्रिल हो गया हमारे। अवॉइड ग्रेप फ्रूट जूस, इसके साथ जो हमारे अंगूर का जूस है वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेप फ्रूट है वो इंक्रीज करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इफेक्ट, जिसकी वजह से इसके बुरे इफेक्ट हमें दिखने लग जाते हैं, क्योंकि इसका लेवल बढ़ा देते हैं, ओके। फिर आते हैं जैसे सिफेलोस्पोरिन, एंटीबायोटिक्स आ गए हमारे। इनके शराब के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ शराब पियोगे तो उससे फ्लशिंग, ठीक है, रंग उड़ जाएगा, वॉमिटिंग आएगी, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, सांसें फास्ट हो जाएंगी, ये।
आयरन है उसे आपको विटामिन सी के साथ लेना चाहिए क्योंकि विटामिन सी इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन कराता है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क वगैरह, इनसे दूर रखो क्योंकि वो क्या है, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते बॉडी, ठीक है। ये आइसोनियाजिड है जो हमारी टीबी वालों को देते हैं, उसके साथ टायरामिन वाले फूड ना लो। टायरामिन वाले फूड लेग्यूम, कुछ दालें हो गई, ये सब चीजें होती है क्योंकि इससे फ्लशिंग, चिल्स, ठंड लगने लग जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, अब नॉर्मल हार्ट बीट हो जाएगी। लीवोडोपा जो हमारी ड्रग है, ठीक है, उसको हम प्रोटीन रिच वालों के साथ नहीं लेते क्योंकि वो क्या करेगी, उसके ड्रग का इफेक्ट कम करेगी। वारफेरिन है जो हमारा क्लोटिंग वाले यूज करते हैं, तो उसके साथ विटामिन के वाला फूड नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर हम ये ड्रग लेते हैं उसके साथ तो वो ब्लड थिनिंग रिस्पॉन्स को कम ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। वैसे थियोफाइलिन, डेक्साफाइलिन के नाम से होगी, तो वो क्या है, अगर उसको ले रहे हो तो आपको कैफीन नहीं लेना ज्यादा क्योंकि ज्यादा कैफीन लेने से आपको नींद नहीं आएगी। तो ये कुछ हमारी ड्रग फ्रूट इंट्रैक्शंस थी। तो ये था चैप्टर 3 के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते थे, सारे मैंने आपको कवर करा दिए, ठीक है। सो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है किसी को आज की क्लास में कुछ? चलो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, बाय बाय।